हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पुआ आसें बनाने की विधि। ये फ्रेंड्स, मैंने आधा किलो आटा लिया है और इससे मैं बनाऊंगी आसें और पुआ, जो कि शीतलाष्टमी की पूजा में लगता है प्रसाद। और ये मैंने शक्कर ले ली है 1.5 कटोरी के लगभग, और इसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया है फ्रेंड्स। और इसका मैं बना लूँगी शक्कर का घोल और ये पुए में जाएगा। ये आटा मैं अभी इसी से सानूंगी फ्रेंड्स, शक्कर के घोल से ही। ये देखिए, एक छन्नी ले ली है ताकि उसमें जो भी गंदगी हो पानी में, शक्कर के पानी में, वो इससे हट जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे मैं अभी छान के इसमें शक्कर का पानी डाल लूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने अभी शक्कर का पानी डालना है। पुआ जो भी बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, आटे से ही बनते हैं, और आसें जो बनती हैं वो हमारे बुंदेलखंड में शीतलाष्टमी की पूजा में आसों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और हमारे यहाँ सुहागन स्त्री आसें बनाती है, हर पूजा में बनाती है, तो शीतलाष्टमी की पूजा में भी हम लोग आसें बनाते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने शक्कर का पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा रिफाइंड, 1/2 कटोरी के लगभग इसमें मैं रिफाइंड डालूंगी फ्रेंड्स। ये मूंगफली का तेल है जो कि खाने के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। अब मैं इसे मिला करके सान लूंगी। हमारे बुंदेलखंड में शीतलाष्टमी की पूजा होती है तो उसका हम लोग एक दिन पहले से ही सारी तैयारी कर लेते हैं। पूरे आसें बनाते हैं, देवी जी की अलग बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, अठवाई बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, जो कि बब्बा जी को, मतलब उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है, बब्बा जी से मतलब है हनुमान जी को। और ये देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है मैंने, क्योंकि इसमें शक्कर बच गई थी। अब इससे मैं गूँथ लूँगी इस आटे को। ये देखिए फ्रेंड्स, इस आटे को गूँथ रही हूँ मैं, और ज़्यादा मुझे इसे नरम ही गूँथना है, क्योंकि शक्कर का जो मिश्रण होता है, शक्कर का जो घोल होता है ना, वो आटा को टाइट कर देता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मुलायम ही मुझे गूँथना है, ताकि इसकी आसें बनाने में मुझे दिक्कत ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा मैंने लगा लिया है, अपना तैयार कर लिया है आसों का आटा, और इससे पुआ भी बन जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैंने अलग से कुछ आटा सान लिया था ताकि उससे मैं अठवाई बना लूँ। ये छोटी पिंडी जो रखी है आटे की, इससे मैं अठवाई बनाऊँगी। आसों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है हमारे बुंदेलखंड में, और आसों से ही हमारे सुहाग की पूरी पूजा होती है फ्रेंड्स। गोदी में भी हम लोग आसें रखते हैं और उससे हम लोग सुहाग भी लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने पुओं और आसों के लिए अलग अलग लोइयाँ बनानी शुरू कर दी है फ्रेंड्स। ये इस तरीके से लोई काट के, ये देखिए मैंने अठवाई बेल के रख ली है ताकि जल्दी से मैं अठवाई सेंक लूँ। और ये देखिए, पुआ भी बना के रेडी कर लिए हैं, और इस पुए से कुछ को मैं अलग कर दूँगी तो वो आसें हो जाएंगी और कुछ हमारे पुआ हो जाएंगे। पुआ खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे। ये देखिए, आसों को ऐसे घोंट के हम लोग बनाते हैं, ऐसे घोंट के हम लोग अष्टमी की पूजा की आसें बनाते हैं फ्रेंड्स। कोई भी त्यौहार होता है तो हम लोग इसी तरीके से आसें बनाते हैं। आप गुड़ से भी बना सकते हैं, गुड़ को पानी में फुला करके आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने आसें बेल के तैयार कर ली हैं और साइड से मैंने घोंट भी दी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये पुआ भी बन जाएंगे। और अब इसको मैं बेल कर पुआ की बना के रख लूँगी और ये मैं सेंक लूँगी फ्रेंड्स। ये आसें भी मेरी तैयार हो गई, अठवाई भी तैयार हो गई, और ये पुआ भी तैयार हो रहे हैं फ्रेंड्स। और आज के दिन बासा बनाया जाता है हमारे यहाँ, पूजा के एक दिन पहले हम लोग बना लेते हैं, जिस दिन शीतलाष्टमी की पूजा होती है उसके एक दिन पहले। ये देखिए, मैंने एक छोटा टुकड़ा डाल के देख लिया था, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और अब मैं इसमें
अपनी अठवाई सेकूँगी। अठवाई तो मुझे सब एक साथ ही सेक लेना है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं आसे सेकूँगी, पुआ सेकूँगी, और उसके बाद खाने के लिए पूड़ी बनेगी हमारी। तो आज मैं सिर्फ आपको आसे, अठवाई और पुआ बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आज हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा के समय ऐसे ही बनाया जाता है। ये देखिए मेरी अठवाई सेककर तैयार हो रही है फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी पूड़ी बनाई जाती है, बहुत ही छोटी छोटी पूड़ी बनाई जाती है, इसे हम लोग अठवाई बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारी अठवाई तैयार हो रही है। हर मंदिर में हमें ये अठवाई चढ़ाना पड़ती है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये अठवाई छोटी छोटी बनाते हैं ताकि सब जगह अच्छे से चढ़ा दें हम लोग। और अठवाई का, आंसुओं का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है हमारी इस पूजा में। अब ये देखिए मेरी आंसें भी सिक रही हैं फ्रेंड्स, और ये तैयारी हो चुकी है हमारी। और इस तरीके से हम लोग पट्टे पर आंसें सजा के रख देते हैं, और इसमें खड़िया मिट्टी से हम लोग पूजा करते हैं, खड़िया मिट्टी की पूजा करते हैं, वो उनको ही हम लोग देवी जी का स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। और ये देखिए पुष्प हैं, अगर सारे मतलब आंसे हैं, अठवाई हैं, सबकी यहाँ से अठवाई चढ़ती हैं, उसे बताशा भी हम लोग रखते हैं, और फिर कढ़ैया सराते हैं तो हम लोग थोड़ा सा हलवा भी बना लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स अक्षत तिलक ये सब करते हैं, और फिर उसके बाद जा कर के देवी माँ के मंदिर में पूजा करते हैं। आज आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, थैंक।